चलिए आज बनाते हैं चीजी कॉर्न चाट, जो कि शाम के नाश्ते के लिए एक बेटर ऑप्शन है और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये ताजे भुट्टे का दाना है, इसको मैंने छुड़ा लिया है और इसके दाने बहुत सॉफ्ट हैं। तो अगर आप सॉफ्ट दाने का भुट्टा लेते हैं और तब उसकी चाट बनाएंगे तो चाट आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले इन दानों को हम बहुत अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद हमें इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए ये देखिए, पानी मैंने पहले से ही चढ़ा दिया है और अब हम इन दानों को इस पानी के अंदर डालेंगे और यहाँ पे ढक्कन लगा के लगभग 7 से 8 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे दाने हमारे सॉफ्ट हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर देखिए, ये बॉईल हो चुका है तो अब हम इसका जो पानी है उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका पानी पूरी तरह से निकाल दिया है। तो अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे गैस जला के कढ़ाई रख दिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले बटर। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इस बटर को पूरे कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे हम। और फैलाने के बाद अब हम डाल रहे हैं ये भुट्टे के दाने और इसको डालने के बाद खुले में हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भुनेंगे। और इसको भुनने के बाद यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो करके और थोड़ा सा ढक्कन लगा रही हूँ मैं, ताकि ये जो दाने हैं ये बटर के साथ मिक्स हुए हैं तो थोड़ा सा बटर के साथ मिलके इसका स्वाद बढ़ जाए, बस इसके लिए है, क्योंकि हमें अब पकाना नहीं है, हमने इसे पहले ही बॉयल कर लिया है। यहाँ पे ढक्कन हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए ही लगाना है। तो यहाँ पे 1.5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। एक बार इसे हम चला लेंगे और चलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और इसके बाद डालेंगे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ और कॉर्न का अपना ही एक टेस्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं लगेंगी। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए ग्रेटेड चीज़ है वो डाल रहे हैं, और इसके ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम सबसे लास्ट में डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा ये काला नमक स्प्रिंकल करेंगे, ये देखिए, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये चाट हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे गैस को कर रहे हैं बंद, अब चलिए इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर दिया है और मैंने इसे बनाया है शाम के नाश्ते में। तो आप बना रहे हैं और बताइएगा आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।